हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अरबी की सब्ज़ी। तो पहले से ही मैंने अरबी को अच्छे से छील के इनको एकदम सिक्के की तरह काट के रखा है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे थोड़ा सा तेल के अंदर रोस्ट कर लूँगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अपनी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। अब आप देखिए, मैंने इसे रोस्ट कर लिया और एकदम कुरकुरी सी मिट्टी के बाउल में अरबी अच्छे से चम्मच घी डाल के इसमें जीरा डाल दिया इधर मैंने, और इसी के साथ मैंने हरी मिर्ची काट के डाली है। अब मैं इसे अच्छे से इसको थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। और ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे इस तरह। और इधर मैंने एक कटोरी दही लिया है। अब दही में हम सारे मसाले अच्छे से डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और ये तो सारा दही का मसाला अच्छे से पका, अब हम इसमें डाल देंगे इसकी तरह ही, यानी ये जो घी का मिश्रण है ये अच्छे से ऊपर आ चुका है। और मैंने सारे इस कुरकुरी अरबी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए, अब इसकी ग्रेवी इतनी अच्छे से पक चुकी है, इसकी तराई भी ऊपर से आ गई है। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और ये अपनी सब्जी रेडी हो गई। अब मैं आपको एक लच्छा पराठा बताती हूँ, रोटी नान, उसको हम नान रोटी बोलेंगे पर लच्छेदार होगी। तो अब मैंने इसका रोल को अच्छे से बड़ा कर लिया। अब मैंने एक 1 टीस्पून घी डाल के इसको हम चारों तरह से फैला देंगे इस तरह। और हम इसे जैसे हम बचपन में पंखे की तरह करते थे उसी तरह कर लेंगे। और मैंने ऊपर से आटा बुरका दिया। ये देखिए, आप अच्छे से देखिए मैंने इसकी लेयर कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल पंखे के आकार जैसी। और हम इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इसे धीरे धीरे हम इसे गोल करते हुए इसको इस तरह हम इसे पैक कर लेंगे। तो ये देखिए, अपनी कितनी सारी लेयर्स बन चुकी हैं। अब मैं इसे रोल कर दूंगी। तो मैंने इसमें आटा अच्छे से भुरक दिया है जिससे अपना रोल अच्छे से बन जाए। और अब मैं इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से मैं इसे पूरा बड़ा सा रोल कर लूँगी इस तरह। आप देख सकते हैं इसकी लेयर अच्छे से दिख रही है। और मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया को भी हम अच्छे से इसमें बेलन चला देंगे। और इधर मैं आपको ये बता रही हूँ कि पीछे से हम इसमें पानी डाल के इस नान को अच्छे से सेक लेंगे। और मैंने गरम तवे पे डाल दिया है। अब ये देखिए, ये अपनी रोटी नीचे से अच्छे से पक चुकी है। तो मैं अब इसे उल्टा करके इसे पका लूँगी गैस पे। तो ये देखिए, अपनी रोटी नान बन के एकदम रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी हैं। और इधर अपनी ये टेस्टी सी अरबी की सब्जी और इधर अपनी रोटी नान एकदम रेडी है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ और इसे